हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे जीवन में जितने भी दुखों से भरे दिन थे वो सब छोटे भाई गणेश के साथ जब तक जी। आंखें मत खोलना। सही है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा पाप किया वो है अपने छोटे भाई को अनाथ की तरह छोड़ना। दीदी, तेरा नाम क्या है बेटे? गणेश। खा लो। तू अपने घर से भागकर क्यों आया?
ये बच्चे कहाँ गए? यही बाहर गली में खेल रहे होंगे। घर संभालने की औकात नहीं है, देश को कैसे संभाल पाएगा रे? मेरी बात सुन, मैं पिछली बातों पर झगड़ा करने नहीं आया हूँ। उन बच्चों को तू ही पाप है ऐसा बोलकर पाल रहा है, ये मैं जानता हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं अदालत में जाऊंगा। बात सुनो, अपने बच्चों को ले जाओ, पर जाने से पहले ये जिन कागजात पे साइन करने के लिए बोलते हैं वो करके जाओ। तुम बीच में मत बोलो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। अब जो भी बात है वो कोर्ट में देखेंगे। जया, गणेश, ये कौन है जानते हो? गलती से इनके सर पे बॉल लग गए। यही तुम्हारे असली पिता हैं। हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। पिताजी, क्या है? मुझे मारा पिताजी। फिर शुरू हो गए? नहीं पिताजी, सच में गणेश को बहुत बुरी तरह से मारा। और तू चुपचाप थी, उसने आके तुझे मारा, यही बात है ना? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं पिताजी, मैं और गणेश दोनों मेरी ही। बात सुन, अपनी कहानी मत बोल, इसने जो किया वो बता। इसने माँ को नौकरानी करके बोला। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? खाना ठंडा हुए जा रहा है, चलो चलकर खा लेते हैं। जया, गणेश को लेकर जल्दी जाओ ना, मैं अभी आकर खाना निकालती हूँ। जाओ दोनों, जल्दी जाओ, अब जाओ ना। मेरी बात सुनो, बच्चों के साथ थोड़ा प्यार से बात करो ना। बेकार में जब देखो डांटते क्यों रहते हो? ऐसी बात नहीं है, वो जब भी देखो। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगी। पहले से ही तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी ने वो ही उनके माँ बाप है ऐसा बोलकर, यानी झूठ बोलकर इन्हें पाल रहे थे। अब तुम भी अगर वैसा ही करोगे तो। मेरे छोटे भाई ने कौन सा त्याग किया है? दादाजी की पूरी जायदाद हड़पने के लिए बच्चों को पालने की कोशिश की। मेरी बात सुनो, तुम बच्चों पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। ये पूरा गांव एक नौकरानी ने आकर मिलिट्री वाले से शादी कर ली बोलकर मजाक उड़ाता है ना? हमारे बच्चे अगर ऐसा कहेंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। भले ही मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन वो हमेशा मेरे ही बच्चे रहेंगे।
अपने बाप के पास मुझे फंसाना चाहते हो? तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस उम्र में ही तुम अपने बाप से मुझे अलग करना चाहते हो? बड़े होने के बाद पता नहीं क्या क्या करोगे। आज तुम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा, कम से कम तब अकल ठिकाने आएगी। क्यों, तुम दोनों मुझे नौकरानी समझते हो? मेरे खाने के बाद इस प्लेट को अच्छी तरह धोकर ही सोना। क्या हो गणेश? चल सो जा, मैं हूं ना, आराम से लेट। अरे सुनिए, नौकरानी नहीं है, उन्हें माँ कह के बुलाना। मैं माँ नहीं बुलाऊंगा। अरे गणेश मेरी बात समझना। कभी नहीं बुलाऊंगा। हे, इस तरह से नहीं बोलते, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत मारेंगी। हे, चल इधर, घुटने टेक। ए, तू वो साइकिल उठा के ला। माँ रहने दो ना माँ, अब से गणेश ऐसी बात नहीं करेगा। ए, कहाँ ना लेकर आ, चल जा। गणेश के बदले मैं उठा लेती हूँ साइकिल माँ, उसे माफ कर दो ना माँ। क्यों री, त्याग करना चाहती है? छी, तू जाकर अपना काम देख। दीदी तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। पाके दुख ये धरती पर, ये नरक बने दुनिया, नरक बने दुनिया। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। पिताजी। क्या है? आपसे कुछ बात करनी है पिताजी। अरे इधर आओ ना। चल आजा 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 मेरे पास आजा। मेरी गुड़िया, इसे जब देखो तू ही उठाते रहती है,
थोड़ी देर जया को देकर तू रेस्ट कर सकती है ना। ओहो ये क्या कह रहे हो, वो खुद ही एक बच्ची है, उसकी गोद में बच्चे को देकर उसकी कमर भी तोड़नी है क्या? बेचारे दोनों बच्चे हैं, बेचारों को होमवर्क भी तो करना पड़ता है, उन्हें बेकार में क्यों परेशानी। ओ मेरी प्यारी गुड़िया। अच्छा ठीक है। मेरी प्यारी गुड़िया, जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत गर्व होता है। मेरी बीवी भी अगर जिंदा होती तो भी इतनी अच्छी देखभाल ना करती। इतना करके भी क्या फायदा, क्योंकि मुझे माँ बुलाने के लिए वो तैयार नहीं है। बस मुझे इसी बात का बहुत दुख है। तुम अभी कहो, दोनों की खाल उतार दूंगा। चुप भी रहिए ना। बेचारी जया बाहर खेलने के लिए गई थी, पता नहीं कहाँ गिरी, सर में गहरी चोट लगा कर आई है। मैं तो देखते ही बहुत घबरा गई थी, उसका खून रोककर सर पर पट्टी बांधी। मैंने वो कैसे किया मैं ही जानती हूँ। आजा मेरी गुड़िया, आजा आजा। क्या बात है, उसने तुझे मारा क्या? यही बोलने आई है ना, तेरे सिर में जो चोट लगी है उसी की वजह से, यही ना? आपको मैं कैसे समझाऊं पिताजी, माँ हम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करती है। जब आप नहीं होते हैं तो हमें बहुत मारती है। बकवास बंद कर। आप समझते क्यों नहीं, आप एक बार माँ से पूछ के देखिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हे, इतनी चर्बी चढ़ गई है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। पिताजी प्लीज, पिताजी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, रोजाना हमें मारती है, हमें अच्छी तरह खाना भी नहीं देती है, अब और सह नहीं होता है पिताजी, कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश। चुप कर, जो मन में बोल रही है चल बाहर निकल, चल। इससे तो अच्छा है कि मर जा। बार तुम वापस कब आओगे?
कम से कम 6 महीने बाद। ये जया कहाँ है? तुम्हें देर हो रही है, तुम जल्दी निकलो ना। बेचारी को दर्द हो रहा होगा, अभी तक सो रही है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसे सब समझा दूंगी। तुम जाओ, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। टाटा। टाटा बोलना। टाटा। अच्छा चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। गणेश, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, ठीक से अपनी पढ़ाई करना, माँ को परेशान मत करना। ये क्या, स्कूल का टाइम हो गया, तैयार नहीं हुआ? वो आपसे स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, तुम लोग स्कूल जाओ। क्या हुआ, खड़े क्यों हो? जाओ निकलो यहाँ से, आज के बाद स्कूल नहीं आएगा। चलो हम चले। ए, तू कहाँ जा रहा है? तेरी दीदी नहीं है, रात को ही वो घर छोड़कर भाग गई है। भाग कर वो जहाँ कहीं भी गई होगी, लोगों से भीख मांग रही होगी। तुझे भी जाना है तो जा। दीदी का काम भी तुझे ही करना है, तभी तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। वो भी कब मिलेगी पता है? जब तू मुझे माँ कह के बुलाएगा तभी। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। पाके दुख ये धरती पर, ये नरक बनी दुनिया। नरक बनी दुनिया। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। के है रास्ते ये, अपनों के जुल्म है ये, दुख के है रास्ते ये। बचपन छिन गया, ममता छिन गई, कैसा है जीवन ये। धोखा मिला है अपनों से जिसको, दर्द वो किस से कहे। आशा की किरणें बुझने लगी है, बिन सागर के बहे, बिन सागर के बहे। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया। पाके दुख ये धरती पर, ये नरक बनी दुनिया। नरक बनी दुनिया।
छोटे छोटे बच्चे जो घर से भागकर आते हैं अत्याचार के कारण, वो भी जब बाप सही नहीं होता है तब। शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने बताया तो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। कहीं चोरी ना करके उसने मजदूरी की, उसमें उसकी ईमानदारी दिखी। जब भी वो खाना खाने बैठता था तो तुम्हें याद करके वो रोया करता था, उसमें उसका प्यार झलकता था। जो कमाई करता था उससे वो आगे पढ़ना चाहता था, उसमें उसका लक्ष्य दिखाई दिया। इसलिए मैंने कुछ और पैसे देकर, पढ़ के बड़ा आदमी बनना बोलकर मैंने खुद उसे भेजा। लेकिन उसने कहा जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसी स्कूल में वो पढ़ेगा। उसके बाद दोबारा मैंने उसे नहीं देखा। चिंता मत करो, ईश्वर देखना बहुत जल्द तुम दोनों को मिला देगा। लेकिन ये विश्वास मुझ में कम सा होता जा रहा है। जब संदेह होता है तो विश्वास टूटता है। विश्वास बनाए रखना हो तो ईश्वर पर संदेह नहीं होना चाहिए। सब अनुभव करके अगर जान लेंगे और प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु तुम किस लिए, तो प्रभु कहेगा वो अनुभव मैं ही हूँ। इस प्रकार से एक गीतकार ने गीत में भी लिखा है, उस प्रभु पर मुझे विश्वास है, तुम भी विश्वास रखो, क्योंकि उसकी योजना किसी अच्छे के लिए ही होगी। शैतान की बात मानकर हवा ने केवल फल ही खाया था, पर तुम्हारे बाप ने पूरा पेड़ ही खा लिया। ऐसे पुरुषों की वजह से ही लोग कष्ट उठाते हैं। तुमने ये बचपन में ही अनुभव कर लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई चाहे कहीं भी हो, प्रभु उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्या मसीही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। वो मसीही है ऐसा बोलने वाला होता है क्रिश्चियन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे देखकर ऐसा बोले। बस इसी कोशिश में मैं जी रहा हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। तुम विश्वास के साथ जाओ। हर 5 साल में एक बार उसे ढूंढने इंडिया आती हूँ, ये सोच के कि इस बार मिलेगा। और हमेशा मुझे उसमें संदेह ही रहता था, लेकिन अब विश्वास के साथ जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों तक तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? मैं भी अपना घर छोड़कर भागी थी, और मुझे खुद को संभलने में इतने साल लग गए। मैं इंडिया में ही नहीं थी। गणेश के दुखों को सुनने के बाद मेरे दुख उससे कहीं कम थे, ये मुझे अब पता चला। मैं ये तीसरी बार अपने भाई को ढूंढने के लिए इंडिया आई हूँ। आपने आखिरी बार गणेश को कब देखा था टीचर? स्कूल से जाने के बाद, करीब 3 साल के बाद वो मुझसे मिलने आया था, और जो कुछ भी उसने बताया सुनकर बहुत दुख हुआ। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। महेश, मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं गणेश, स्कूल में साथ में पढ़ते थे ना। तू कहाँ चला गया था, इतने दिनों तक कहाँ रहा? आजा गणेश, अंदर आना। माँ, गणेश है माँ, मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था ना, इसके पिताजी जो मिलिट्री में थे। बेचारा जब से घर छोड़कर भागा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मार्केट में मजदूरी कर रहा था माँ, अब से मेरे साथ ही रहना बोलकर ले आया। तू यही रुक, मैं हीटर ऑन करके आता हूँ।
तू पहले नहा ले, मेरे पास कुछ कपड़े हैं वो पहन लेना। ठीक है। तू अपने घर वापस गया था कि नहीं? कैसे जाएगा, वो खुद ही भागा था, खुद ही वापस गया होगा। जाने पे क्या आरती उतारेंगे? गणेश, अब ऐसे में हम क्या करें? इकलौता बेटा बोल के पाला ना, इसलिए हमारे घर को अनाथ आश्रम बना रहा है। अब छोड़िए ना, दो दिन रहने देते हैं, बाद में महेश को बोल के भिजवा देंगे। तुम मेरी बात सुनो, नौकरानी ने काम छोड़ दिया, ऊपर से तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द रहता है, दो दिन उससे काम ले लो, फिर वो यहाँ से खुद जाता है या हम उसे भेजेंगे, फैसला करेंगे। तड़पे मन है तरसे, नैन कैसी है तेरी ये दुनिया, पाके दुख ये धरती पर ये नरक बनी दुनिया, नरक बनी दुनिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। टीचर जी, गणेश अच्छी तरह से पढ़ेगा, ये आप भी जानती हैं। मेरे मम्मी डैडी भी इसके लिए मान गए हैं, हमारे यहाँ पर ही रहेगा। 3 साल तक इसने पढ़ाई नहीं की है, ऐसे में अब ये कौन सी क्लास में पढ़ेगा? ऊपर से 3 साल उम्र भी बढ़ गई है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते टीचर? मेहनत मजूरी करके, बाजार में बोरियां उठाकर, पढ़ाई के लिए काफी पैसा जमा कर लिया है, किसी भी स्कूल में मुझे भर्ती करा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ एजुकेशन एक स्कूल है, वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, मैं यहाँ से तुम्हें TC दिला देती हूँ। ये क्या गणेश, तो अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, ये सब मेरी माँ देख लेगी, तू आ। नहीं यार महेश, आंटी पहले से ही दुख उठा रही है, तू जा, मैं काम खत्म करके आता हूँ। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है, टीचर ने जो स्कूल बताया वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ले आते हैं, चल ना। क्यों बेटे, स्कूल में भर्ती हो गया क्या? सारा काम मैंने खत्म कर दिया है आंटी। आज तो कर दिया है, लेकिन कल से कर पाएगा क्या? मेरी बात सुन बेटे, अब तू ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मजदूरी करके पैसे देख लिए ना, और अब वही तेरा जीवन है, पढ़ना वढ़ना छोड़ के कहीं काम पे लग जा। यहाँ भी रह सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, घर का काम करने के साथ साथ महेश को कंपनी भी दे देना। वो सब ठीक नहीं रहेगा, आजकल रहने की जगह के साथ कई बड़ी बड़ी दुकानों में नौकरी मिल जाती है, वही रहकर काम भी कर लेगा। तेरी पढ़ाई के खर्चे के लिए हम लोग तुझे पैसे दे, और उसके बदले तू यहाँ काम करे, ठीक नहीं रहेगा। नहीं अंकल, रात में भी कहीं जाकर मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा, अपनी फीस का खर्चा उठा लूंगा। नौकरी करेगा या पढ़ाई करेगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही तो होगा, तू कहीं बाहर जाकर ही रह ले। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। महेश मुझे माफ कर दे यार, मैं कहीं और जाके रह लेता हूँ। वैसे अंकल आंटी ने तो मुझे जाने से मना किया, लेकिन मैंने ही वहाँ रहने के लिए मना कर दिया। अपने मम्मी पापा से प्लीज बोल देना कि मुझे गलत ना समझे। मैं सब कुछ जानता हूँ यार, मेरे माँ और पिताजी ने तुम्हें घर से निकाला, तू मुझे माफ करना। इसमें तू क्या कर सकता है यार, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, मैं सब देख लूंगा। तू खूब पढ़ाई करना, मैं भी खूब पढ़ूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। तू जाएगा कहाँ? कुछ पता नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में बुरा बोले बिना तू मुझसे मिलकर जा रहा है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन सा ईश्वर? Thank you.
जिस दिन घर से भागा था उसी दिन आ जाता तो कम से कम तुम्हारे दादा की जायदाद मिलती। तुम भूल से भी उसे यहाँ रहने के लिए मत बोल देना, नहीं तो उसके बाद उसकी दीदी आएगी, मोहल्ले में बेइज्जती नहीं करवानी है। जिस दिन तुम्हारे भाई ने नौकरानी से शादी की हमारा रिश्ता तभी से टूट गया है ना, हमारा भी एक बच्चा है ये याद रखना। दिल तो मेरा भी नहीं मानता है, कुछ पैसे देकर मदद कर दो। अभी तक ये कहाँ था, क्या कर रहा था, हमें कुछ भी तो नहीं पता। मैंने सही कहा ना, हमारा बच्चा बिगड़ गया तो। अपनों के जुल्म है ये, दुख के है रास्ते ये। बचपन छिन गया, ममता छिन गई, कैसा है जीवन ये। धोखा मिला है अपनों से जिसको, दर्द वो किस से कहे। आशा की किरणें बुझने लगी है बिन सागर के बहे, बिन सागर के बहे। तड़पे मन है तरसे नैन, कैसी है तेरी ये दुनिया। तड़पे मन है तरसे नैन, कैसी है तेरी ये दुनिया। पाके दुख ये धरती पर, ये नरक बनी दुनिया, नरक बनी दुनिया। बीच में एक बार वो आया था मुझसे मिलने के लिए, पर उसके बाद उसके बारे में बस सुना, देखा नहीं। लॉयला कॉलेज में पढ़ा ये जानती हूँ, वो युवाओं का नेता बना था ये भी मुझे पता चला। वो हमेशा अच्छा रहेगा, आज भी अच्छा ही होगा मैं जानती हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि वो कहाँ है, उससे जाकर मैं मिलना चाहती हूँ। उसे मैं सारी बात बताना चाहती हूँ और उससे माफी मांग कर मैं वापस चली जाऊंगी। जब तुम समझदार बनी उस उम्र में उसे छोड़ा, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है। वो जब ना समझ था उस वक्त उसने तुम्हें खोया, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है कुछ पता नहीं। तुम चिंता मत करो, विश्वास के साथ जाओ, मुझे अगर कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भैया ऐसे रो क्यों रहे, कुछ बताओ तो क्या हुआ? कॉलेज में सीट नहीं मिली। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, स्टेट में फर्स्ट आया, सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट, तुम खुद देखो। ईश्वर कहाँ है बता, जिसका तू ध्यान करे। ईश्वर कहाँ है बता, जिसका तू ध्यान करे। वक्त के साथ ही किस्मत बदलेगी, जब वो बुलाएंगे रे। सोच से ज्यादा कार्य करके तुझको उठाएंगे रे। हाथ को तेरे थाम के यीशु तुझको चलाएंगे रे, तुझको चलाएंगे रे। तड़पे मन है तरसे नैन, कैसी है तेरी ये दुनिया। तड़पे मन है तरसे नैन, कैसी है तेरी ये दुनिया।
पाके दुख ये धरती पर ही नरक बनी दुनिया, नरक बनी दुनिया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। तूने इस तरह से मुंह क्यों फुला रखा है? मैं यहाँ से मलेशिया थोड़ी जा रहा हूँ। इतने सालों से जो नजर नहीं आया वो अचानक कहाँ से आ गया? मिलने से ही पता चलेगा। मुझे तेरा जाना ठीक नहीं लग रहा है कैनेडी। मेरी माँ मलेशिया में रहती थी, पिताजी ने एक बार ऐसा बोला था। आज मेरी माँ का बड़ा भाई यह बोलकर कोई मुझसे मिलने आया है। सच्चाई मिलने से ही पता चलेगी। तू कितने दुख उठाकर यहाँ तक पहुँचा है मैं जानता हूँ। तू फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए इसी बात का डर है। बाकी तेरी मर्जी। ऑल द बेस्ट। Hi. Hello. I want to meet Mr. Shiva from Malaysia. हाँ हाँ, मलेशिया में ही। हाँ ठीक है, मैं भी चेन्नई में। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। I am Shiva. I'm Ganesh. पहले पेट भरना, फिर ध्यान से सुनना, उसके बाद सोचना। I mean, सोच समझ के तुम फैसला लेना। कम कम। गणेश, तुम्हें आश्चर्य तो होगा ही और संदेह भी होगा, और इन सबसे ज्यादा अचानक मुझे ढूंढते हुए मेरा सगा मामा कहां से निकल आया, ये सवाल भी होगा। There is only one answer. That is nothing but truth. तुमने अपनी माँ को कभी देखा है? लो देखो। मैं जो कहूंगा वो एक तरह से कड़वी सच्चाई है। तुम्हारी माँ कैसे मरी तुम जानते हो? जब तुम्हारे बाप के अत्याचार सहन नहीं हुए तो किचन में आग लगा के उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी माँ से बड़े दो भाई भी हैं, एक तो मैं और दूसरे मुझसे भी बड़े। मलेशिया में उन्हें हर कोई जानता है, द फेमस बाल योगी स्वामी महाराज। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी नानी आज भी जिंदा है। उनकी बस एक ही इच्छा है कि आखिरी समय अब तुम्हारे साथ गुजारें। अब तुम क्या कहते हो? मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं। अभी तक तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा था ये तुम जानते हो, जिसका तुम अनुभव कर चुके हो, लेकिन अब जो होगा उसका अनुभव करना है। तुम्हारा फैसला समझदारी का होगा। तुम मेरे साथ मलेशिया चलो।
बहुत मुश्किलों से 3 साल ढूंढने के बाद तुम मिले हो। स्कूल में स्टेट फर्स्ट आए, कॉलेज में 3 साल तक लगातार गोल्ड मेडल, इन सब में तुम्हारी समझदारी झलकती है। तुम्हारी रगों में मेरी बहन का खून है और मेरी माँ का सपना है, तो क्यों ना चाहूं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं। इसे अब तुम अपनी किस्मत समझो या आशीर्वाद भी समझ सकते हो। समय ने तुम्हें अलग किया और किस्मत ने जोड़ा, मैं मानता हूं। तुम चाहो तो आगे पढ़ सकते हो और ऐशो आराम से जी सकते हो। अभी तक तुमने एक नरक का जीवन जिया, अब स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हो। कुछ भी सोचे बिना अब चलो, पासपोर्ट वीजा का इंतजाम मैं करा लूंगा। तुम क्या कहते हो? कैसे विश्वास न करूं? क्यों यार, किसी ने स्टार होटल में खाना खिला दिया और माँ का फोटो दिखा दिया, बस इतने पर विश्वास कर रहा है? इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। बचपन में ही मैं अपना घर छोड़कर जो भागा अपने आत्मविश्वास के कारण, तो क्या अब मैं डरूंगा? चलो मान लो कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के वो तुम्हें नहीं ले जा रहा है। अच्छा, तू क्यों चाहता है कि मैं मलेशिया ना जाऊं? पहले तू एक कारण बता कि तू वहां क्यों जा रहा है। शायद वहां मेरा भविष्य अच्छा होगा। क्यों, इंडिया में भविष्य अच्छा नहीं होगा? नहीं यार, मैं अनाथ की तरह जिया हूँ। अब कहीं से मेरा कोई अपना मुझे नाम लेके बुला रहा है, जानने पर जाने के लिए मेरा मन कह रहा है। तब तो तूने जाने का फैसला कर ही लिया है। यस, इंडिया में रहता तो नेता बनता, पर अब मैं मलेशिया में जाकर आराम की जिंदगी के साथ सेटल हो जाऊंगा, ये सोच रहा हूँ। तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए तुझे भी ऑप्शन देता हूँ, नेता बनूं या मलेशिया जाऊं, तू खुद डिसाइड करना। यहाँ की जो राजनीति है मुसीबत से भरी है, और मलेशिया में जो तेरे साथ होगा वो उससे भी बदतर होगी। मैं इन दोनों से ही सहमत नहीं। तब तो मैं खुद डिसाइड करता हूँ, आई एम फ्लाइंग टू मलेशिया। गणेश, ईश्वर पर विश्वास करते हो? ईश्वर है क्या? खोजे बिना ही जो पूछ रहा है या नहीं, खोजने के समान है। ईश्वर कहाँ है ये बताना, क्यों, तू तो जानता है ना? वो हर जगह है। तो फिर तू चर्च क्यों आता है? वो तो सब जगह पे है ना। हवा तो हर जगह है ना, तो हम पंखे क्यों चलाते हैं, एहसास करते हैं। मेरी बात सुन, मैंने चोट खाई है, तूने केवल सुना है, तू मेरा दर्द नहीं समझेगा। मैंने जाने का फैसला कर लिया है। तो जा, मुझे अभी भी तेरा जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद अगर यहाँ के जैसे रास्ते पर आ गया तो तुझे बचाने के लिए तेरा भगवान भी नहीं आएगा। और हाँ, मेरे सामने मत आ जाना। कैनेडी, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू जलन के बारे नहीं बोल रहा है, मैं जानता हूँ। मुझे समझाने के लिए बोल रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। मुझे विश करना, ब्लेस भी कर यार, बस चैलेंज मत करना। Because I have seen lot of challenges in my life. Goodbye. क्या बात है गणेश, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत ही गुमसुम दिख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं अंकल। देखो, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, तुमसे मिलने के लिए सबके सब इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव सा देखोगे। गणेश, ये पहन लो। अरे ये पहन लो, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम एक बदलाव सा देखोगे। बड़े मामा जी से मिलने जा रहे हैं ना, पहन लो, उन्हें अच्छा लगेगा। तब तक नानी की पूजा भी खत्म हो जाएगी। I'm gonna go.
सदा सुखी रहे बेटे। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। क्यों दादी, तुम्हारी लड़की भी क्या ऐसे सफेद धोती पहनती थी? क्यूरी, मजाक सूझ रहा है? चाहे कुछ भी हो, मेरी बेटी की कोख से जन्मा है, इस घर का चिराग है। ये लो माँ जी। चल अब कम से कम तू तो वापस आ गया, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तेरी बहन भी अगर मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ, अभी अभी तो आया है, ऐसी बातें बोलकर रुला मत देना, हम जाके भैया से मिलते हैं। जा बेटे गणेश, अपने बड़े मामा से भी आशीर्वाद ले लेना, वो पुरोहित है। ठीक है नानी। तेरी माँ भी ऐसे ही हंसती थी। तेरा बाप भी ऐसे ही हंसता है, आज तक ये डायलॉग मुझसे बोलती आई हो, अब अचानक पार्टी बदल ली है, अब पता नहीं और क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले तू खुद को बदल ले, गणेश के लिए नाश्ता निकाल, उन्हें बाहर जाना है। देख के डालना, सफेद धोती है, देखना कहीं ऐसा ना उसके ऊपर गिर जाए। आते ही देखभाल ऐसे कर रहे हो जैसे अपने घर का दामाद हो। अरे तो इसमें गलत भी क्या है, हैं? मेरी बहन का ये इकलौता वारिस है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, अगर भगवान की यही मर्जी है तो इसमें गलत क्या है? हेलो, ये सब क्या हो रहा है, मुझसे कुछ पूछे बिना क्या क्या बोले जा रहे हो? जैसे किसी दुकान से गुड्डा खरीद के लाते हैं ना, वैसे इंडिया जाकर मेरे लिए दूल्हा लेके आए ना। गणेश में कमी क्या है? खामोशी। ये लो बेटे। मैं खुद भी पूछना चाहती थी, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? नहीं नहीं, जगह है, ये पला बड़ा है इंडिया में और हमारा कल्चर अलग है। ऐसी बात नहीं अंकल, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, आप कितने आराम से एक दूसरे से मिल जाते हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी, ये सब देख के आश्चर्य हो रहा है। अगर दीदी भी मिल जाती तो मुझे और भी अच्छा लगता, जब से यहां आया हूं दीदी के बारे में ही सोच रहा हूं। कपाल तिलक लगाए जन स्नान करे मोक्ष हेतु रे। पुनर्जन्म ना जाए तड़पत जाए। कपाल तिलक लगाए जल स्नान करे मोक्ष हेतु रे, पुनर्जन्म न होए जाने, वेद ग्रंथ सप्त कोटि, मंत्र जाप करे का पाए मोक्ष हेतु, तड़पत जाए, इस प्रकार से एक महाकवि ने कहा है। इस आने वाले कुंभ अभिषेक में मैंने जो तीर्थ जल विषय में पुस्तक लिखी है उसका विमोचन करूंगा। यह है गणेश, मेरी छोटी बहन का बेटा, और इस गणेश को अपना उत्तराधिकारी बनाकर कार्य सौंपना चाहता हूं। आने वाले कुंभाभिषेक का पूरा दायित्व मैं गणेश को देने वाला हूं। सदा खुश रहो।
ये क्या भैया, मलेशिया में भी गाड़ियां खराब होती है क्या? अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ओ अब तुम क्या करोगे? 10 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आ जाऊंगा। एहसास ये तेरा मुझे खींच लाया द्वारे तेरे, एहसास ये तेरा मुझे खींच लाया द्वारे तेरे, अपने लहू धो दे मुझे कर दे मेरा अभिषेक ईशुरे, अपने लहू से तू धो दे मुझे कर दे मेरा अभिषेक ईशुरे, हे ईशुरे मेरे राजा रे, ये जीवन मेरा है अब तेरा, हे ईश्वरे मेरे राजा रे, ये जीवन मेरा है अब तेरा। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, तुझे मैंने ही बुलाया, तू इंडिया वापस लौट जा, तू वापस इंडिया लौट जा। तेरे वचन पढ़ता है जो सम्मति तेरी पाता है वो, तेरे वचन पढ़ता है जो सम्मति तेरी पाता है वो, भले ही मनुष्य भूले मुझे मुझे भूलेगा, भले ही मनुष्य भूले मुझे तू न कभी मुझे भूलेगा, हे ईश्वरे मेरे राजा रे, ये जीवन मेरा है अब तेरा। कार की बातें मत कर, तू
दोस्त पर भरोसा रखकर इतनी दूर लाया, आप तू ऐसा बोल रहा है? खुद को धोखा मत दे। तुम्हारे ना बोलने से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑप्शन रखा करती हूँ। पिज्जा नहीं तो नूडल्स खा के चली जाती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो साफ साफ बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उसके बदले प्रभु बुला रहे हैं, ऐसा बोल बोल कर हम लोगों को कहानी मत सुनाओ। सच है ये तुम बोल रहे हो, लेकिन हमें एक कहानी जैसा ही लगता है। तुम्हारे मामा और मैंने तुम्हें लेकर बहुत सपने सजाए। कम से कम मेरी बात सुन ले, जो कुछ भी हुआ सपना समझ के भूल जाना। माना जो तेरे साथ घटा सपना नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो घट रहा है वो एक सपने के समान है। अब एकदम से हमें छोड़ के जाने के लिए तेरा मन कैसे माना? जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर ले। बेकार में अपने दिमाग पर जोर मत डाल। तेरे बड़े मामा ने भी ऐसे बहुत दर्शन किए हैं। मैंने केवल दर्शन नहीं पाए हैं मामा जी, उनके एक एक शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। कुंभ अभिषेक के लिए तू क्या करेगा? उससे पहले इंडिया चला जाऊंगा। गणेश, 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 शिव जी जो भटकते थे उनका लक्ष्य होता था। तू बिना लक्ष्य के है, ऊपर से तू जहां गया था वो एक चर्च है। शिव किसी भगवान का नाम नहीं है मामा जी, शिव का मतलब है प्रेम। मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है और मैं इंडिया जा रहा हूँ। तू मेरा अपमान करना चाहता है? यहाँ मलेशिया में मेरी बहुत मर्यादा है, अखबारों में न्यूज आ गई है। कम से कम मेरी खातिर कुंभ अभिषेक पूरा होने तक तू अपनी जबान मत खोलना। कपाल तिलक लगाए जल स्नान करे मोक्ष हेतुरे पुनर्जन्म ना होए जाने। वेद ग्रंथ सप्त कोटि मंत्र जाप करे का पाए मोक्ष हेतु तड़पत जाए। इस प्रकार से आपने ही सिखाया था ना, पर इसका मतलब जो मैं समझाऊं वो अलग है मामा जी। विभूति यानी ईश्वर, जिसे कपाल पर खींच के लगाते हैं, लेकिन ईश्वर का कहना एकदम अलग है। मनुष्य अपने पाप के लिए स्वार्थी बन जाता है। मृत्यु पर विश्वास रखना, वेद अनुसरण ना करना, बल्कि केवल कपाल पर तिलक लगाकर सर्व कुलों का ज्ञान लेकर वेद के समस्त मंत्रों का जाप करके किसी भी प्राण को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ये एक महाकवि ने लिखा है। मसीह को मैंने बाइबल में परमेश्वर देखा, उनके बुलाने को स्वीकारा और मैंने जाने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए। तेरा आखिरी फैसला क्या है? मैंने जाने का फैसला कर लिया है अंकल। डॉक्टर के पास चलें। सिर्फ नानी ही नहीं, हम सबको लगता है कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 1:27। तो यहां तक पहुंच गया हो? तू हमारे साथ ही नहीं, जो भगवान मलेशिया लेकर आया उसके साथ भी धोखा कर रहे हो। मुझे आपके जरिए भगवान लेके आया है ऐसा आप सोच रहे हैं, पर मुझे जाने के लिए स्वयं ईश्वर ने कहा, तो आप मुझे पागल मान रहे हैं? अगर तू इंडिया वापस गया तो फिर से अनाथ बनकर भीख मांगेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा वेदों में कहा गया है। मसीही जो मुझे सामर्थ्य देगा उससे सब कार्य करने में मैं सामर्थ्यशाली हूँ, ये मैंने बाइबल में पढ़ा, उसमें वर्णन किया गया है।
ये आखिरी फैसला है? ये मेरी शुरुआत का फैसला है। चल नीचे उतर, नीचे उतर। ईशु तुझे कैसे इंडिया ले जाता है मैं भी देखता हूँ। Get lost। भले ही मनुष्य मूल मुझे तू न कभी मुझे जारे ये जीवन मेरा है अब तेरा। मलेशिया से जब वो निकला था तो बस एक बार मुझे फोन किया था। मेरी बात सही थी जानकर उसे अफसोस हो रहा था। उसने कहा इंडिया आने पर मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। उसके किसी मुस्लिम दोस्त ने उसकी सारी मदद करके इंडिया भेजा है बताया था। वो जरूर आ चुका होगा लेकिन वो है कहाँ कुछ पता नहीं। आप चिंता मत करो, मेरा जन्म एक मसीह परिवार में ही हुआ और आज तक मैं क्रिश्चियन ही हूं। जो दर्शन आज तक मुझे नहीं मिले वो उसने पा लिए। प्रभु उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दीदी मेरा वीसा खत्म होने की तारीख नजदीक है और अपने वीसा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कहीं से भी उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मिलेगा मैं तुरंत आपको खबर कर दूंगा। ये लो भैया, इस जगह पर मैं रुकी हुई हूँ। जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी। रखना हौसला रे, नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी। रखना हौसला रही, हर एक कार्य की योजना है ईशु की दृष्टि में। सौंपते जीवन उसके हाथों में, सच्चा जीवन पाए करे, सच्चा जीवन पाए करे। पढ़ना था जितना पढ़ ही लिया, पढ़ के भी तूने क्या पाया। सारा जग है एक महामाया, खोकर सब कुछ क्या है पाया। उम्मीदें भी टूट गई है, सपना टूट गया। यह माया मोह का चक्कर इंसान जाने ना
कभी, यह माया मोह का चक्कर इंसान जाने ना कभी। नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी। रखना हौसला रे, नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी। रखना हौसला रे, हर एक कार्य की योजना है ईशु की दृष्टि में। सौंपते जीवन उसके हाथों में, सच्चा जीवन पाए करे, सच्चा जीवन पाए करे। तुम कैसे हो रूबन? ऐसे पूछ रही हो जैसे जानती नहीं हो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? लव अलग होता है, लक्ष्य अलग होता है। मैं समझी, तुम ये बात समझते होगे। मैं कुछ समझा नहीं निशा। प्रॉब्लम ही यही है, नहीं तो मुझे ऐसे परेशान नहीं करते। What do you mean? खुद जाकर दुखों को नहीं ढूंढना चाहिए, गलत फैसला लेना। ऐसी गलतियां मनुष्यों से हो जाती हैं, और गलती जानने के बाद उसे सही करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, वही बुद्धिमान होता है। और इसीलिए मैं तुमसे अलग हो गई। मैं समझी तुम भी मेरी तरह ही अच्छा फैसला लोगे। निशा, तुम मुझे उलझन में डाल रही हो। मुझसे शादी करने के लिए तुम ही ने बोला था ना। आखिरी सांस तक तुम मुझे खुश रखोगे, तुम ही ने प्रॉमिस किया था ना। क्या ये तुमसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तुम अभी कहाँ काम करते हो और कितना कमाते हो बताओ रूबन, क्योंकि तुम पे विश्वास करना मुश्किल है। तुम क्या समझते हो मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी? तुमने तो अभी तक नौकरी ढूंढी ही नहीं है। जब से मुझे छोड़कर गई हो तब से मेरी दुनिया ही लुट चुकी है। जीवन में जब समस्या आती है और समस्या का समाधान ना ढूंढो तो कोई भी चैन से नहीं रह सकता, और ना ही किसी और को चैन से रखेगा। निशा, मैं बचपन से ही ऐसे जीकर बड़ा हुआ हूँ, ये तुम भी जानती हो। लेकिन जब से तुम्हारे साथ जान पहचान हुई, प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, इसका एहसास हुआ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे एक मौका तो दो, मैं कोई ना कोई नौकरी करके जरूर कुछ कमाऊंगा और तुम्हें मैं खुश रखूंगा। It's too late. बिछड़ना तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, पर कुछ पाना मेरे लिए नया है। अगर हो सके तो मेरी शादी में जरूर आना, और तुम भी अपना जीवन संवार लो। ऑल द बेस्ट। योजना उनकी जानेगा जो, दर्शन उनके पाएगा, पूरा होगा उनका ये वचन, जग में फिर से आएंगे वो। जो भी उनके संग में चलेगा पाएगा मोक्ष भी वो। फिर जान ले तेरे जीवन में ना होगी मृत्यु कभी, फिर जान ले तेरे जीवन में ना होगी मृत्यु कभी। नई धुन में गाओ रे, नई धुन में गाओ रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी।
रखना हौसला रे, नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी, रखना हौसला रे। हे ये सब क्या है यार? हे गणेश, ये क्या हाल बना रखा है? मेरा नाम गणेश नहीं है, रूबन। मेरा नाम अब से रूबन है। दीदी आप अभी उसे कोई बात नहीं करना, पहले देखते हैं कि वो आपको पहचानता है या नहीं। मगर आपसे एक सच्चाई मैंने नहीं बताई, वो इस समय दिमागी बीमारी से गुजर रहा है। 2 दिनों से मैंने उसे घर में कैसे रोक के रखा ये मैं ही जानता हूँ। सबसे पहले उसे किसी अस्पताल ले जाना है। गणेश, गणेश, रूबन, रूबन, रो नहीं दीदी, आप चिंता मत करो, वो यहीं कहीं गया होगा। मेरे बेटे, मेरे बेटे, तुझे मैंने ही बुलाया, मैंने ही तुझे बुलाया बेटे। ईश्वर के बारे में तू क्या सोचता है? फिर शुरू हो गया, जब देखो ऐसी बात बोलकर तू बता देता है कि तू मसीही है। तो तू कौन है? रूबन नाम क्यों रखा? नाम बदलने से सीट मिलती है और पैसा भी मिलता है, भला हो उस ऑटो वाले का जिसने बदलवाया। तो तुझे वो पैसा मिल गया? नाम बदलने से नहीं मिलता है, मन फिराना पड़ता है, उसके बाद सब मिलता है। जितनी मेरी मेहनत थी उतना पैसा मुझे मिला, अपने ज्ञान से मैंने शिक्षा भी प्राप्त की। और शांति और संपत्ति, उसके लिए एक ही मार्ग है, यीशु के सामने जाऊं, यही ना? सामने जाना अलग है पर अपनाना अलग होता है। कहीं रास्ते में जाते समय तस्वीर देखकर या चर्च देखकर या क्रूज देखकर तुरंत हम लोग जो चूमते हैं वो है उनके सामने नमन करना, और मैं जो बोल रहा हूँ यीशु को अपनाने के लिए, तब वो सदा हमारे साथ ही रहेंगे। कैनेडी एक बात पूछो तो बुरा मत मानना,
जो यीशु को नहीं जानते हैं, जान के भी अपनाते नहीं, और वो जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दुनिया की खुशी के बारे में बोल रहा है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है और उसके लिए बहुत से आधार हैं, उसी का नाम है नित्य जीवन, एक निरंतर जीवन। उसके लिए एक ही मार्ग है और वो है केवल यीशु। यीशु वापस आने वाले हैं इस बात के चिन्ह जिस बाइबल में दिए गए हैं उस पर मुझे विश्वास है। लेकिन तूने मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, एक बस अड्डे पर एक बाप अपने सगे बेटे के साथ बस के लिए प्रतीक्षा कर रहा था और उसका बेटा उसे खाने में क्या क्या चाहिए वो सब अपने बाप से बोल रहा था और बाप ने खरीद के भी दिया। उसके बाप ने केवल उसे ही खरीद कर नहीं दिया, उनके पास एक और बच्चा खड़ा हुआ था उसको भी खरीद के ला के दिया। तो उसके बेटे को सब मिल गया और एक दूसरे अनजान बच्चे को भी सब मिल गया। लेकिन जैसे ही बस आई वो केवल अपने बेटे को साथ लेकर उस बस में चढ़ गया। स्वर्ग लोक जाने वाली बस के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल यीशु पर विश्वास रखकर और उनकी संतान बनकर निश्चय ही हम उस बस में जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इतने दिन कहां चला गया था? मेरी बात सुन, मौके की तलाश में हमें जाना पड़ता है, पर वो तेरे पास आया था तब तो तूने छोड़ दिया। अगर तब बात मान लेता तो आज तू एक एमएलए होता। तेरा नाम गणेश ही है ना? नहीं भैया, रूबन। तो क्रिश्चियन बन गया है? तू कुछ भी बन सकता है, लेकिन राजनीति अदली बदली करने वाला कोई चर्च नहीं है। अगर हमारे कोई एक गाल पे मारे तो उसके दोनों गालों पर मारना पड़ता है, वही है राजनीति। तेरे को सेट होगी क्या? मतलब तूने सिर्फ नाम ही बदला है, पूरा क्रिश्चियन नहीं बना है। ए गणेश, क्या नाम बताया था? रूबन। हाँ रूबन, एक दूसरे से जलन, मार धाड़, पुलिस केस, ये सब होगा, संभाल पाएगा? मैं किसी से पंगा ही नहीं लूंगा। तू तो नहीं लेगा, सामने वाला लेगा ना। ये देख, यहाँ पे जो खड़े हैं ना, इनमें सभी कोई आ सकता है। जेब के अंदर हाथ डाल के सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है। लोग आज हमें सीढ़ी बनाकर हमारे लाश पे होकर ही ऊपर जाएंगे। जब तक डंडा है तो झंडा है, डंडा अगर निकाल दें तो झंडा गया, समझा नहीं ना दादागिरी? इन सब के लिए अगर तू तैयार है तो कल से ही ज्वाइन कर ले। युवा संगठन का तुझे मैं नेता बनाऊंगा। नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी, रखना हौसला रे। नई धुन में गा रे, सपने सजा लो रे, मन की हर इच्छा पूरी होगी, रखना हौसला दे। हर एक कार्य की योजना है यीशु की दृष्टि में, सौंपत जीवन उसके हाथों में, सच्चा जीवन पाए करे, सच्चा जीवन पाए करे।
जल्दी जाओ, वो अंदर ही होगा, काम तमाम करके आओ। बच के निकल गया। अच्छा वो तुम आ गए। अरे भैया ये क्या हो गया, जल्दी उठो ना, आ जाओ आओ। सुनो ये लो। पढ़े लिखे और अनपढ़ के ऑटो चलाने में बहुत फर्क होता है भैया।
जो अनपढ़ है वो ट्रैफिक के सारे रूल्स ऑटो पे लिख कर रखता है, फिर भी रूल्स तोड़कर ऑटो चलाता है। गोल्ड मेडल का इनाम जीतकर युवाओं का नेता बन गया था, फिर अचानक ये कीचड़ में कैसे गिर गया? दूसरा कोई रोजगार नहीं मिला? तूने कहा था प्रभु ने बुलाया, कोई भरोसा करे ना करे, पर मैं करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा मत कर, परमेश्वर पर रख, लेकिन वो है ये समझाने के लिए किसी मनुष्य को ही भेजता है। क्यों पता है? जब कॉलेज में सीट नहीं मिली थी तो बीच रास्ते में बच्चों की तरह रो रहा था, ये तब की बात है। और आज भी बीच रोड में जब तू मरने की अवस्था में पड़ा था, तब भी मुझे भेजने वाला और कोई नहीं, वो परमेश्वर ही है। नाम बदलकर क्रिश्चियन बन गया है, तुझे प्रभु ने बुलाया है ये जानकर भी, तुझे क्यों बुलाए ये जाने बिना अपनी इच्छा से उस जगह पे क्यों गया? मैं नहीं जानता, हर जगह मेरी हार ही होती है। नहीं जीते इसका मतलब क्या हार गए? हार को जीत में बदलना आना चाहिए। मैंने यीशु के बारे में सुना है, लेकिन तूने? उनकी तो आवाज सुनी है। ओहो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने कभी माँ को नहीं देखा, बाप ने मुझे संभाला नहीं। दीदी के जाने के बाद से समझ लो मैं भाग ही रहा हूँ, बचपन से लेके आज तक, पर अब नहीं हो रहा है। भगाने वाले 100 होते हैं, पर भागने वाला तो मैं अकेला ही हूं ना, मैं थक गया हूं। रिश्तेदारों ने भगाया, फिर गांव ने भगाया, अब दुनिया भगा रही है। इतना ही नहीं, मलेशिया से ईश्वर ने मुझे भगाया, कमाने की लालसा से इंडिया भाग कर आया। सोचा था निशा मेरी हमसफर बनेगी, लेकिन उसने भी मेरे मन को नहीं पहचाना, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। जिनको मैंने चाहा वो सब मुझे छोड़कर चले गए, इसी नफरत की आग के कारण राजनीति में गए। अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। ठीक है, कहीं मत जाना, तुझे मलेशिया से खुद प्रभु ने भगाया तूने कहा, ऐसा क्यों? जरा सोच के देख, खुद ब खुद जान जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ दिनों के लिए यहीं पर अंडरग्राउंड हो जा, बाद में अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर तू एक अच्छा जीवन जीना। अब कुछ भी सोचे बिना सो जा, मैं जाके खाना लेके आता हूं। साहब जी से मिलना है। तुम लोग कौन हो? ये रूबन की दीदी हैं। रूबन से मिलने के लिए आई हैं। इंसान को ढूंढने शमशान आए हो? और तुम कौन हो? मैं रूबन का दोस्त हूँ। तुमने समझाया नहीं होगा, पर मैंने बहुत समझाया। मेरे साथ आओ। ये जो चाकू पड़े हैं, इन पर उसका खून लगा हुआ है। पार्टी में ही समस्या थी, वो ऊंचा उठ गया, लोग जलने लगे, वो एमएलए बन गया था, पढ़ा लिखा था, मुख्यमंत्री भी बन जाता, तो क्या ऐसे ही छोड़ देते? कई दिनों से प्लान बनाकर टपकाने का फैसला कर लिया। पहले दिन ही बोला था कि ये सब रहने दो, नहीं माना। नेताजी ये सब जानते हैं, लेकिन जो लोग उसके नीचे थे उन पर ऊपर वालों का हाथ था। अगर तुम लोग न्याय मांगने के लिए आए हो तो वापस चले जाओ, अगर कहीं मिल जाए तो इनकी नजरों से छुपाकर कहीं और ले जाना। वो मिल जाए तो आश्चर्य होगा,
प्रभु की दया होगी, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति उसे बचाती आ रही है। विश्वास के साथ जाइए। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मैं कभी तुझसे अलग नहीं हुआ, ना ही मैंने तेरा हाथ छोड़ा। सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति और सम्मति प्रदान करूंगा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है। आ बेटे, आ। प्रभु ने कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ा है। प्रभु ने बुलाया है, उसकी आज्ञा न मानकर पाप के कीचड़ में तू जा गिरा और अब उठकर आया है। बेटे, अब तू ज्यादा देर मत करना। रूबन, प्रभु तुझे बुला रहे हैं। योना की तरह मार्ग से भटक गया था, क्या परमेश्वर ने तेरा साथ छोड़ा? नहीं ना, प्रभु तुझे बुला रहा है। रूबन, आज ही अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दे। मत्ती 22:14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तूने अभी कहा ना कि जब भी मौका मिलता है मैं यीशु के बारे में बोलने लगता हूँ। बात ऐसी नहीं है। इस संसार से जब वो गए थे तो एक बात कही थी, मत्ती 28:19-20, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हम उसका पालन कर रहे हैं। मसीह धर्म को फैलाने के लिए हम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ये तो मनुष्यों ने बनाया है। यीशु सबसे प्रेम करते हैं और तुम भी सबसे प्रेम करो, ऐसी हमें उन्होंने आज्ञा दी है। किसी त्योहार पर जब राशन की दुकान में 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा देते हैं तो तुरंत हम जानने वालों को बताते हैं ना, वैसे ही ये उद्धार बिल्कुल मुफ्त मिलता है और उसके द्वारा ही मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। ये जानने के बाद ये सबको बताए बिना रह पाएंगे क्या? हर एक मनुष्य को, जिस किसी को भी हम चाहते हैं उसको बताए बिना रहेंगे क्या? इसीलिए हम कहते हैं और उसी का नाम है सुसमाचार। जितने भी धर्म हैं वो सब मोक्ष का मार्ग बताते हैं ना? आज तक जो बात किसी ने नहीं कही वो केवल यीशु ने ही कही, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और आज भी जीवित हूँ,
यीशु परमेश्वर का अवतार है ना? तो फिर परमेश्वर कौन है? तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर बाइबल में दिए गए हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो सच क्या है जान जाओगे, क्योंकि सच्चाई जो है वो एक ही है। हमारे लिए अपनी बलि चढ़ाई यीशु मसीह ने, और वही है कृपा। और उसका जो एक ही आधार है वो बाइबल ही है ना? सन 2012 में भूमि पर जिसने भी जन्म लिया हो उनकी जन्म तिथि के साथ यीशु मसीह की मरण तिथि भी जुड़ी हुई है। इसका चिन्ह बाइबल में दिया गया है। मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ। सच है या झूठ सोचने लगा है ना, इसीलिए कंफ्यूज्ड हो रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना यानी? यानी प्रभु से सीधा बात करना, नो मीडिएटर नो ट्रांसलेटर। और कृपा? दुनिया ने नाम दिया है किस्मत, बिना योग्यता के प्राप्त होती है कृपा जो प्रभु से मिलती है। और विश्वास? देखकर जो होता है वो है भरोसा, बिना देखे जो एहसास होता है वो है विश्वास। और ये उद्धार? पाप से छुटकारा पाना, नर्क जाने से छुटकारा मिलता है, ये केवल यीशु से मिलता है, मुझे विश्वास है। इसका मतलब क्रिश्चियंस और दूसरे लोगों में फर्क है? हम जो भी फैसला लेते हैं अपनी सोच से, और उसमें विचार बहुत जरूरी होते हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन का फैसला लेते हैं पढ़कर पास करने के लिए, वहां पढ़ाने वाला कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है, इस बारे में सोचेंगे तो ना तो डिग्री ले सकते हैं और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। क्रिश्चियंस को मत देखो, चर्च को मत देखो, पास्टर को मत देखो, सबसे पहले यीशु को देखो, और वो कौन है ये जानो, उसके बाद हम कौन हैं, हमें कैसे रहना चाहिए खुद जान जाओगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ही ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। एहसास ये तेरा मुझे जिलाया बारे तेरे, एहसास ये तेरा मुझे कितनी ही तकलीफें आई, कितने ही उपद्रव आए, कितने ही संकट आए, और कितने ही दुख, कितनी ही परीक्षाएं, लेकिन यीशु ने मेरा मार्गदर्शन किया। यीशु ने जिस वक्त मुझे बुलाया उसके अनुसार किया, और खुद के ऊपर गर्व भी किया। लेकिन प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया इस बात को जानने में इतने साल मुझे लग गए। हृदय पे लगने वाली चोट की दवा है ये सोचे बिना मैंने हमेशा केवल पैसा कमाने के लिए ही सोचा, लेकिन प्रभु कितना दयालु है, कितना करुणाकारी है, इस बात से बिल्कुल अनजान था। योना की तरह भागा, और प्रभु ने मुझे बेटा कह के पुकारा, हर बार बुलाने को ठुकराया। एक पत्रस 5:7 में जैसा कहा है, तुम अपनी सारी चिंताएं उन पर डाल दो, मुझे बुलाने वाले परमेश्वर आपको भी बुलाएंगे, जैसे मेरा मार्गदर्शन किया वैसे आपका भी करेंगे। आपने बहुत कुछ खोया होगा लेकिन उसका कई गुना आपको लौटाया जाएगा, ये बात भूलिएगा नहीं। अय्यूब की तरह शैतान द्वारा प्रभु की अनुमति से परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन जो कुछ खोओगे वापस पाओगे, वो भी कई गुना प्राप्त करोगे, ये मेरे जीवन की एक सच्ची गवाही है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा। जो भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उनके रहते हुए इस भूमि का अंत नहीं होगा। परमेश्वर ने जो हमें दिया अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने इस संसार में प्रेम करने के लिए भेजा। अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने हृदय में वास करा लिया है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया है, तो इस भूमि पर आप अपने मार्ग से भटके बिना
चाहे आप इस भूमि पर रहें या स्वर्ग लोक में रहें, आप जीवन में सदा विजयी रहेंगे। आप निरंतर जीवन प्राप्त करेंगे, कभी पराजय का सामना नहीं करेंगे। हालेलुया। यीशु की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी, चाहे आपके ऊपर कैसा ही संकट क्यों ना आ जाए। यीशु हर संकट से आपको बाहर निकालेंगे। प्रिय बंधुओं, आपने इस कहानी में रूबन नाम के जिस पात्र को देखा वो यही है। इसके जीवन में जो सच्ची घटना घटी उसी को इस चलचित्र में आपने देखा। इसकी बहन इसको ढूंढ रही है, इस प्रकार से इस कहानी में दर्शाया गया है, लेकिन आज तक ये अपनी बहन से नहीं मिल पाया। उसे एक काल्पनिक पात्र बनाकर इस कहानी में जोड़कर दर्शाया गया है ताकि आप कहानी समझ सकें। इसलिए इससे मिलकर जिस प्रभु ने इसे बदला है वो इसकी खोई हुई बहन से भी जरूर मिलाएगा, ऐसा मानकर विश्वास के साथ आज भी प्रार्थना करके उसे खोज रहा है। मेरे प्रियजनों, इस फिल्म में जो आपने देखा, जो इसकी कहानी है, वो मेरे जीवन में घटी एक सचमुच की कहानी है। खास करके योना के बारे में जैसे वर्णन किया गया, उसी प्रकार की एक घटना आपने इस फिल्म के अंदर देखी होगी। वो मेरे जीवन में सितंबर की 13 तारीख को सन 2006 के साल में रेवरेंड डॉक्टर जॉन जोसेफ ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तब मेरा जीवन बहुत ही गंदा और दरिद्रता में लिपटा हुआ था, वैसी परिस्थिति थी। सिर्फ इतना ही नहीं, भय, भविष्य के बारे में सोचकर कि जीवन में मुझे क्या चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल अनजान था। लेकिन ठीक उसी दिन मेरे जीवन में इन सब चीजों से कहीं बढ़कर यीशु मेरे हृदय में आने चाहिए। यीशु मुझे अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि वही सारी आवश्यकताओं से बढ़कर आवश्यकता है। ये बात मैं जान गया था और यीशु को मैंने अपना लिया। और यीशु को अपनाने के बाद एक वचन ने मुझे छू लिया, जो भी पवित्र आत्मा से अभिषेक पाता है वो बुद्धिशाली है। तब मेरे पास कोई काम नहीं था, बस में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन गलियों में, बस स्टैंड में, स्टेशन में, रोड के किनारे या किसी गांव में जाकर प्रभु के प्रेम के बारे में सब जाने उसके लिए पर्चे बांटने की सेवा मैं किया करता था। और फिर एक बार प्रभु की संतान ब्रदर मोहन सिंह लाजरस अंकल एक सभा खत्म करके जब बाहर जा रहे थे तो उनका हाथ पकड़कर पूछा कि अपने जीवन में मुझे अगर आगे बढ़ना हो तो मुझे क्या करना होगा। उस पे उन्होंने कहा, पूरे 30 मिनट तुम यीशु के साथ बात करो और पूरे 30 मिनट परमेश्वर के वचनों का ध्यान करके वाचन करो। और ठीक वैसे ही मैंने करना शुरू किया। सन 2010 में दिसंबर 3 तारीख को मेरी इनके साथ यानी एस्थर के साथ शादी हो गई और प्रभु ने हमारे वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद दिया। और अक्टूबर महीने के 7 तारीख को बैंक में जब काम कर रहा था तो वहाँ मैनेजर का जॉब मैंने रिजाइन कर दिया था और मैंने अपना पूरा समय यीशु की सेवा में समर्पित कर दिया। और जैसे ही मैंने प्रवेश किया उसके 2 महीनों के बाद, वैसे ही दिसंबर के महीने की 3 तारीख को प्रभु ने एक बहुत ही प्यारी सी ये संतान हमें दी, जोनस इवेंजेलिन इसका नाम हमने रखा। मेरे सेवा कार्य को यीशु ने आशीर्वाद दिया पूरी संतुष्टि के साथ, सम्मति के साथ और शांति के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे लिए करने वाले यीशु मसीह आपके लिए भी देख लेना, अवश्य चमत्कार करेंगे। वो कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। मैं एक अनाथ की तरह, भिखारी की तरह था और एक पागल की तरह मैं अपना जीवन जी रहा था। यीशु मुझे खोजते हुए आए और आज वही यीशु आपको खोजने आ रहे हैं। अगर यीशु मसीह को आपने अपने हृदय में स्थान दे दिया तो वो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे और मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, वो और कहीं स्वर्ग लोक में, वो महिमामय होगा और बहुत ही संतुष्ट होगा। गॉड ब्लेस यू। देखिए प्यारे भाई, रूबन के जीवन में प्रभु ने उसके ऊपर प्रेम रखकर उसे बुलाकर उसे आशीर्वाद देने के लिए कई बार उससे भेंट की। यीशु कितना प्रेम करते हैं देखिए। जिसे माता पिता का प्यार नहीं मिला, अनाथ की तरह जीवन जी रहा था, उस कुमार पर प्रभु ने प्रेम रखा, उसे बुलाया और आज आशीष देकर उसे श्रेष्ठ बनाकर रखा है। लेकिन परमेश्वर ने कई बार जब उसे बुलाया तो उस बुलाहट को वो समझ नहीं पाया। यीशु ही मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये बात वो समझ नहीं पाया। लेकिन एक बार प्रभु ने जब उससे भेंट की और उसे समझाया तो यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत बड़ी शांति और एक बड़ा आशीर्वाद उसने प्राप्त किया। और जब उसने अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंपा तो आज अनेक लोगों के लिए उसे परमेश्वर ने आशीर्वादित बना दिया। वही यीशु आपको भी चाहते हैं।
आपको भी बड़े प्यार से बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ऐसा बोलकर हरेक को बुला रहे हैं। वो किसी भी धर्म जाति में भेदभाव नहीं रखते हैं। उनकी बुलाहट सुनकर जो भी उनके पास जाता है उन्हें क्षमा करते हैं, शांति देते हैं और आशीष देकर दर्शन देते हैं। आपको भी प्रभु बुला रहे हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार से भाई रूबन से भेंट की वैसे ही सीधे मुझसे आकर मिलने दो, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है प्रिय बंधुओं। हर एक को जो प्रभु बुलाते हैं और जिनसे मिलते हैं उनकी विधि अलग होती है। अब देखिए, इस फिल्म के द्वारा प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं, प्रभु अपना प्रेम इसके द्वारा बाहर प्रकट कर रहे हैं। आप सबको भी आशीर्वाद प्राप्त हो उसके लिए वो बुला रहे हैं, लेकिन हर एक को दर्शन देने के लिए वो सीधे तौर पर नहीं बुलाते हैं। प्रभु कई अवसरों के द्वारा बुलाहट देते हैं, किसी गीत के द्वारा, गवाही के द्वारा, या किसी सभा में जाने के द्वारा, या टीवी में सुसमाचार सुनने के द्वारा प्रभु बुलाया करते हैं। क्यों? इस समय ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, इस घटना को जब आप देख रहे थे तभी परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप मेल मिलाप करें, काफी है। प्रभु यीशु मसीह मुझे बुला रहे हैं ऐसा मानकर मेल मिलाप करें तो सचमुच की शांति और आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। यीशु आपको चाहते हैं, इसलिए अभी भी वो आपको बुला रहे हैं। अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपेंगे? हो सकता है आपने जीवन में धोखा खाकर, प्रेम से वंचित रहकर, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, इस संसार में जीकर क्या फायदा सोचकर उदास मन से बैठे होंगे। यीशु पर अपना विश्वास रखें, वही आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। आप अनेकों के लिए सम्मति व आशीर्वाद बने, वैसे वो आपको बदल सकते हैं। भाई रूबन के लिए करने वाले प्रभु आपके लिए भी करना चाहते हैं। प्रभु मुझे बुला रहे हैं ये तो जानता हूँ, लेकिन इतने सारे दुख हैं, सोचकर आप उदास हो सकते हैं। देखिए बाइबल का वचन क्या कहता है, रोमियो 8वें अध्याय के 28वें वचन में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अभी आपको दुख अवश्य दिखेंगे मगर अंत भला होगा। रूबन जिन मार्गों से गुजरा उन्हें देखिए, प्रभु जब उस पर प्रेम रखते थे, प्रभु उसे चाहते थे, उस वक्त कितने दुख थे, लेकिन वो निरंतर उसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि अंत भला होता है, अंत ऊंचाइयों का होगा, अंत आशीर्वादित रहेगा, और इसीलिए प्रभु आपको भी बुला रहे हैं। अपना हाथ उन्हें सौंपेंगे, आप अनेकों के लिए आशीर्वाद बने, वैसे वो आपको भी आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ बनाएंगे। आमीन। योजना उनकी जानेगा जो, दर्शन उनके पाएगा, पूरा होगा उनका ये वचन,
जग में फिर से आएंगे वो, जो भी उनके संग में चलेगा पाएगा मोक्ष भी वो। फिर जान ले तेरे जीवन में ना होगी मृत्यु कभी, फिर जान ले तेरे जीवन में ना होगी मृत्यु कभी।